नमस्कार, नमो नारायण। सत्संग में सुनी एक विचित्र कथा, संतों की महिमा। शास्त्रों में मृत्युकालीन स्थिति के बारे में बहुत ही बातें बताई गई हैं। जो पुण्य करे उनके प्राण मस्तिष्क से निकलते हैं, जिसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र द्वारा प्राण निकलना। जो अच्छे कर्म करे उसके प्राण आँख कान नाक मुंह से निकलते हैं। जो बुरे कर्म करे और पाप करे उसके प्राण कमर के निचले वाले भाग सभी जगह से निकलते हैं। शिवानंद स्वामी और हरिहर स्वामी नाम के दो संत हुआ करते थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, आरती का प्रचार करते थे। अपने अक्सर आरतियों में कहत शिवानंद स्वामी, सुना ही होगा। शिवानंद स्वामी ने जीवित रहते ही अपने मृत्यु का समय निश्चित कर लिया था और उसकी घोषणा भी करवा दी थी। भीड़ इकट्ठी हुई, किसी अंग्रेज ने देखा कितनी भीड़। लोगों ने बताया कि आज स्वामी जी समाधि ले रहे हैं। अंग्रेज ने कहा, जिन संत को देखने के लिए इतनी भीड़ है उनके दर्शन में भी कर लूँ। अंग्रेज अफसर जब तक वहाँ पहुँचा, स्वामी जी ब्रह्मरंध्र मार्ग द्वारा अपने प्राण अपने प्रियतम प्रभु को समर्पित कर चुके थे। अंग्रेज ने कहा, इनका तो माथा फटा हुआ है, उनका माथा फटा पड़ा है, तुम लोगों ने ही उन्हें मारा है। 150 लोग पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, सब जेल में। अब यहाँ हरिहर स्वामी जी परेशान, उनके दोस्त, क्या 150 निर्दोष लोग एक संत के कारण अकारण ही दंड भोगेंगे? तब हरिहर स्वामी ने घोषणा करवाई कि वे भी अपने प्राण उसी विधि से त्यागेंगे जिस विधि से शिवानंद स्वामी ने अपने प्राण छोड़े। उस अंग्रेज अफसर को सूचना दे दी गई। अंग्रेज के सामने ही हरिहर स्वामी के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकले, कपाल अपने आप फटा। अंग्रेज ने हाथ जोड़ लिए। ऐसी परीक्षा के बाद 150 निर्दोष लोग की रिहाई हो गई। इस कथा को सुनने के बाद हमारे मन में तो एक ही बात आई, भला हम अब ऐसा क्या करें कि भगवान हम सबको ऐसा ही सौभाग्य प्रदान करे कि प्राण जब निकले तो सीधे प्रभु के पास पहुँचे, बीच में स्वर्ग नरक का चक्कर ही ना हो। आभार, धन्यवाद।